कितना नंबर मारा है भाई। एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, सच बताओ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि लाइक चलो ठीक है, चलो सबसे मैं बेस्ट चीज़ बोलता हूँ कि बंदा चलो एक्सेप्ट कर रहा है। मैंने फर्स्ट डे ही बोला कि ये बंदा अगर फिल्म अगर इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर होती है तो ये बंदा एक्सेप्ट कर लेता है, ये बंदा एक्सेप्ट कर लेगा, मैंने बोला था। और वो बंदा एक्सेप्ट कर भी रहा है और बुरी तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है कि पठान भाई, और बहुत तारीफ़ों के साथ। एंड जो जेन्युइन चीज़ है, वो जेन्युइन चीज़ के साथ ही वो बंदा मतलब अटल खड़ा है और वो हिसाब से वो रिएक्शन दे रहा है। तो सीन अभी यही है ब्रो कि KRK सेज दैट पठान इज़ गोइंग टू क्रिएट हिस्टीरिया ऑल ओवर द सिनेमा। एंड जो वीडियोस उनके आ रहे हैं, उनको वीडियोस देखने के बाद बहुत सारी पॉजिटिविटी जो ग्राउंड प्लेटफॉर्म में नेगेटिविटी थी वो पूरी पॉजिटिविटी में मतलब तब्दील होती नज़र आ रही है। बट स्टिल आई विल से कुछ लोग ऐसे हैं कि वो वीडियोस ही नहीं बना रहे, वो वीडियोस ही नहीं बना रहे। मैं किसकी बात कर रहा हूँ तुम लोगों को मालूम है? 18 करोड़ अभी भी वीडियोस बंद है। मतलब कैसे कैमरा को फेस कर देंगे, कैसे कैमरा को, वही मतलब वो लोग सोच रहे, एक बार फेस किया, दो बार फेस किया, 3-4-5 बार तो फेस नहीं कर पाएंगे वो लोग कैमरा को। तो अभी वो लोग एकदम मतलब अंडरग्राउंड हो चुके हैं। वो दिल्ली का दीपक एक है, वो चूतिया एक है, उसका पूरा डबिंग मिमिक्री सब अंदर घुस गया, उसका मिमिक्री सब अंदर घुस गया। आलू छिला हुआ आलू साला, उसका तो मिमिक्री पूरा अंदर घुस गया। और एक वो है मीठा सिंह तो पता नहीं कुछ भी दिखाता है, मीठा सिंह क्या करता है, जो जॉगिंग वाला सीन है ना पठान का, उसका सीन को निकालता है, बॉडी का साइज़ बड़ा करता है, सिर का साइज़ छोटा करता है और बोलता है देखो VFX वाली बॉडी है। मीठा सिंह पूरा एक्सपोज हो गया। मीठा सिंह को एक्सपोज मैंने किया, ट्विटर में डाला, मीठा सिंह तक पहुँच भी गया, वो स्क्रीनशॉट पहुँच, मीठा सिंह पूरा एकदम भौंकला गया एकदम बुरी तरीके से भौंकला गया। तो सीन ये कि शाहरुख खान ने बराबर बोला था कि जब तक हम पॉजिटिव लोग जिंदा है तब तक फिल्म सुपर हिट है, तब तक हाईएस्ट ग्रॉसर है, तब तक इंडिया की सारी रिकॉर्ड्स तोड़ती रहेगी, तब तक तोड़ती रहेगी, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। यही सीन है शाहरुख खान का। और KRK के वीडियोस मैंने देखे, अभी रिसेंट वीडियोस मैंने देखे, एंड उस वीडियो को देखने के बाद सच में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आई है। और जवान को लेकर जो कॉन्फिडेंस मेरा बिफोर प्री पठान रिलीज़ था, वो कॉन्फिडेंस इनटू 10,000 लेवल पे हो गया, क्योंकि मेरे को पता है कि वो फिल्म बहुत ज़्यादा डेंजरस है। वो फिल्म इतना ख़तरनाक है कि चेन वाला थिएटर से इंटरवल में भागा ना, नेक्स्ट टाइम चेन वाला थिएटर गेटी गैलेक्सी में पिक्चर ही नहीं देखेगा, वो वहाँ पर पहुँचेगा नहीं, वो 18 नहीं बोलेगा उस बार बोलेगा 18 करोड़ नहीं बोलेगा। तो सीन ये सीन कंसिडरिंग द रिएक्शन ऑफ हेटर्स, ये मोमेंट एंजॉय करने का है, ये मोमेंट सेलिब्रेट करने का है कि हेटर्स भी पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर चुके कि ये फिल्म ने हिस्ट्री की सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया भाई, सारे रिकॉर्ड्स को। कितना 60 करोड़ ऐसे ही कर रहा है वो भाई। वो वीडियोस, उसके वीडियो देख मेरे को खुद इतना हंसी आ रहा है, इतना गूज़बम्प्स आ रहा है कि लाइक मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कभी मैं ऐसा कुछ भी दिखूंगा, कभी मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था हम लोग 1,000 करोड़ के बारे में बात करेंगे, कभी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था हम लोग फास्टेस्ट 500 करोड़ के बारे में बात करेंगे। अब सब कुछ वही सब चल रहा है। एंड सीरियसली मैं बोलना चाहता हूँ कि दिस इज मोमेंट गाइस, दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स। शाहरुख खान हैज क्रिएटेड हिस्टीरिया एट द बॉक्स ऑफिस, एंड वो रिकॉर्ड्स, वो नंबर्स पूरा हिंदुस्तान मार्केट को हिलाकर पूरा झंझोड़ कर रख दिया है। पूरा एक टोर्नाडो आता है ना वैसे, टोर्नाडो एंड साइक्लोन एक साथ आ गया। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करो। बहुत लोग बोल रहे हैं 90% लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे, वीडियो आ रहा है करके सब बोल रहे हैं वीडियो आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है भाई क्या हो गया 2-3 दिन से आपके चैनल को, पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता है। मेरे को लग रहा है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पूरा का पूरा षड्यंत्र है कि मैं ये प्लेटफॉर्म छोड़कर अपने मर्चेंट नेवी में ही ध्यान दूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है 100 होने के बाद शायद मेरे को लग रहा है रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, ऐसा यूट्यूब का मतलब एक सजेशन है, मेरे को ऐसा लग रहा है।